तो हाँ भाइयों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है ना? तो आपका भाई आपके लिए बेस्ट 5 स्मार्टफोन चॉइस किया है जो आप 8000 के अंदर में बाई कर सकते हैं। देखिए 8000 के अंदर में इस टाइम में जो जो स्मार्टफोन सबसे बेस्ट है वही स्मार्टफोन आपको रिकमेंड करूंगा। देखिए हमारा काम है आपको कम बजट में बेस्ट प्रोडक्ट सजेस्ट करना, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो के लास्ट में इस सभी स्मार्टफोन को लेकर मेरा ओपिनियन आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगा, जहां पर बात करेंगे कौन से स्मार्टफोन में आपको बेस्ट कैमरा मिलेगा, कहां पर आपको बेस्ट गेमिंग मिलेगा, कौन सा स्मार्टफोन लॉन्ग टाइम के लिए बेस्ट है, उसके ऊपर भी बात करेंगे वीडियो के लास्ट पार्ट में, मतलब ओपिनियन पार्ट में बात करेंगे। इसलिए ओपिनियन पार्ट आप सभी के लिए काफी यूजफुल होगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो गाइस मेरा नाम है स्वरूप और आप देख रहे टेक सूत्र। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं 8000 के अंदर में आप इस टाइम में कौन सा स्मार्टफोन बाय कर सकते हैं। गाइस मैं आपके लिए एक लिस्ट रेडी किया हूँ, आप देख सकते हैं। तो इस लिस्ट के 5 नंबर पे है इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले। इस फोन का सबसे खास बात है यहाँ पर 6.82 इंच का एक बिग डिस्प्ले मिल जाएगा जो IPS HD प्लस डिस्प्ले होगा। फोन की बैक साइड में 13MP का डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा, 13MP का मेन कैमरा और एक AI लेंस मिल जाएगा एंड 8MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। देखिए इसका कैमरा क्वालिटी आपको उतना बढ़िया नहीं मिलेगा, एवरेज टाइप का कैमरा क्वालिटी मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर हीलियो G35 का चिपसेट मिलेगा जो एक गेमिंग चिपसेट है, मतलब आप इस फोन में गेम खेल सकते हैं, आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और यहाँ पर 6000mAh का ह्यूज बैटरी मिल जाएगा और जहाँ पर आपको एक नॉर्मल चार्जर मिलेगा। इस फोन का 3GB रैम एंड 32GB स्टोरेज का प्राइस है 8300 रुपीज और सेल के टाइम ये स्मार्टफोन और भी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। अगर आपको बिग डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए, एक अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए और स्मार्टफोन का कैमरा उतना मैटर नहीं करता है, तो इस फोन को आप डेफिनेटली देख सकते हैं। इस प्राइस के अंदर में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। अगर आपको बेस्ट कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए तो कौन सा स्मार्टफोन का कैमरा बेस्ट होगा आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस लिस्ट के 4 नंबर पे है Realme C11 2021 एडिशन। इस फोन का 2GB रैम एंड 32GB स्टोरेज का प्राइस है 7500 रुपीज और इस प्राइस के अंदर में इस फोन में आपको बढ़िया फीचर्स देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर 6.5 इंच का एक IPS LCD HD का डिस्प्ले मिलेगा। फोन की बैक साइड में 8MP का सिंगल कैमरा एंड 5MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, तो इसका कैमरा क्वालिटी आपको उतना बढ़िया नहीं मिलेगा एंड यहाँ पर 5000mAh का बैटरी मिलेगा जहाँ पर आपको एक नॉर्मल चार्जर मिलेगा। देखिए अगर आपका बजट 8000 से कम है और आपको Realme का स्मार्टफोन बाय करना है तो 7500 रुपीज के अंदर में Realme C11 को आप देख सकते हैं। इस प्राइस के हिसाब से एक डिसेंट स्मार्टफोन है। गाइस लिस्ट के फर्स्ट नंबर पे जो स्मार्टफोन है वो इस लिस्ट का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है जहां पर आपको सब कुछ बहुत ही बढ़िया मिल जाएगा, इसलिए उस फोन को बिल्कुल मिस मत करना, वीडियो को एंड तक देखिए, ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस लिस्ट के 3 नंबर पे है Redmi 9A Sport। इस फोन का 3GB रैम एंड 32GB स्टोरेज का प्राइस है 8000 रुपीज और इसका 2GB रैम वेरिएंट और भी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, 7300 रुपीज में मिल जाएगा, तो आप अपने प्राइस के हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए फीचर्स के बारे बात कर लेते हैं। यहाँ पर 6.53 इंच का एक IPS LCD HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा। फोन की बैक साइड में 13MP का सिंगल कैमरा एंड 5MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा एंड यहाँ पर हीलियो G25 का चिपसेट मिलेगा जहाँ पर आप गेमिंग कर सकते हैं। एक्चुअल में गेमिंग चिपसेट है MediaTek की तरफ से, अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। इस फोन में 5000mAh का बैटरी और जहाँ पर आपको एक नॉर्मल चार्जर मिल जाएगा। देखिए 8000 प्राइस रेंज के अंदर में Redmi की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, तो आप इस फोन को देख सकते हैं। इस प्राइस के अंदर में आपको बढ़िया फीचर्स देखने को मिल जाएगा, आप सेटिस्फाई होंगे। गाइस लिस्ट के 2 नंबर पे है पोको C31। इस फोन का 2GB रैम एंड 32GB स्टोरेज का प्राइस है 8000 रुपीज और 8000 रुपीज के अंदर में इस फोन में आपको बहुत ही बढ़िया फीचर्स देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर बैक साइड में 13MP का TPL कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा एंड 5MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। मतलब 8000 के स्मार्टफोन में आपको बैक साइड में TPL कैमरा सेटअप मिल रहा है, जो बहुत ही बढ़िया बात है, मतलब इसका बैक कैमरा आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा। और इस फोन में 6.53 इंच का एक IPS LCD HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा एंड यहाँ पर हीलियो G35 का चिपसेट मिलेगा जहाँ पर आप गेमिंग कर सकते हैं, एक गेमिंग चिपसेट है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा और 5000mAh का बैटरी भी देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से 8000 रुपीज़ के अंदर में अगर आपको एक अच्छा कैमरा सेटअप चाहिए, फ़ोन की बैक साइड में एक अच्छा प्रोसेसर मिल जाए जहाँ पर आप गेमिंग कर सकते हैं, बढ़िया बैटरी बैकअप मिले, पोको C31 को मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। इस प्राइस के अंदर में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है जिसको बाय करके आप सेटिस्फाई होंगे। तो भाई लोग वीडियो अगर आपके लिए ज़रा सा यूजफुल हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल क्लिक करना, क्योंकि मैं आपके लिए इस टाइप का और वीडियो लेके आता रहता हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना
ओनली 200 लाइक का टैग रखते हैं, तो प्लीज कमेंट कर देना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में जान लेते हैं। तो भाई लोग, लिस्ट के फर्स्ट नंबर पे है अपना इंडिया का स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स इन 2B। और ये स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है क्योंकि इस फोन में आपको बहुत ही बढ़िया फीचर्स देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर 6.52 इंच का एक IPS LCD HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा। फोन की बैक साइड में 13+2MP का डुअल कैमरा एंड 5MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। तो इसका कैमरा क्वालिटी आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात है इसका चिपसेट, यहाँ पर यूनिसॉक 610 का चिपसेट मिलेगा जो गेमिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट है, जहाँ पर आप हाई क्वालिटी गेम खेल सकते हैं, आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर 5000mAh का बैटरी मिलेगा और जहाँ पर आपको नॉर्मल चार्जर देखने को मिलेगा। गाइस, सभी स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में बात कर लिए, अभी बात करेंगे मेरे ओपिनियन के बारे में। ध्यान से सुनना, ये ओपिनियन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। देखिए, अगर आपको गेमिंग के लिए स्मार्टफोन बाय करना है तो मैं आपको दो स्मार्टफोन रिकमेंड करूंगा। एक है पोको C31, जहां पर आपको प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया मिलेगा, और माइक्रोमैक्स इन 2B। ये दोनों स्मार्टफोन गेमिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट है, आप देख सकते हैं। और अगर आप कैमरा के लिए स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं तो आपको तीन स्मार्टफोन को रिकमेंड करूंगा। सबसे फर्स्ट पोको C31, जहां पर फोन की बैक साइड में आपको TPL कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, तो 8000 rupees के अंदर में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है। और दूसरा है माइक्रोमैक्स इन 2B, वहाँ पर भी आपको कैमरा बेहतर मिलेगा। एंड तीसरा है रेडमी 9A स्पोर्ट, वहाँ पर भी आपको कैमरा बेहतर मिलेगा, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो भाई लोग, एक्चुअल में ये सभी स्मार्टफोन अपने अपने प्राइस के हिसाब से बेस्ट है और मैं अपने हिसाब से रैंकिंग कर दिया हूँ। तो आप देख सकते हैं स्मार्टफोन में आपको क्या बेहतर चाहिए, उस हिसाब से आप देख सकते हैं ये सभी स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट है इस प्राइस के अंदर में। और इस टाइप का वीडियो पाने के लिए और भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बिल को ऑल क्लिक करके हमारे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँगा जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। फिर से मुलाकात होगी एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। गुड बाय।